नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत। मैं हूं आदित्य कौशिक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिल्ली का जो लोकसभा चुनाव है, हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों की मन की राय जानेंगे। और ना केवल लोकसभा, इसके अलावा जो आसपास के इतर के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हों, युवाओं से जुड़े मुद्दे हों, हम अलग अलग मुद्दों पर जाकर के लोगों से बात करते हैं, उनकी रुचि जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों आए हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली की भी राजधानी कह सकते हैं या ब्रह्मांड का केंद्र हम कहें मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर एक ऐसा इलाका है दोस्तों, यहाँ पर पूरे देश भर से प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए देश भर से युवा यहाँ पर आते हैं, खासकर उत्तर भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, UPSC परीक्षा की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में आते हैं। तो हम यहाँ पर एक चाय की थाली पे बैठे हुए हैं, तीन युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, और खास बात यह है ये तीनों दोस्त हमारे अलग अलग राज्यों से हैं। एक भाई हमारे बिहार से हैं, एक राजस्थान से हैं, और एक मध्य प्रदेश से हैं। इनसे हम 5-7 मिनट बात करेंगे, क्या इनकी राजनीति को लेकर के समझ है, क्या मुखर्जी नगर के बारे में सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? प्रिंस मिश्रा। मुझे लगा पीयूष मिश्रा, बहुत बड़े कलाकार भी है पीयूष मिश्रा। उन्होंने वो गाना गाया था आबिब जलीब का अपोनेंट करते हुए, मैं नहीं मानता। खैर, प्रिंस जी कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से यहाँ पे लिखाई पढ़ाई के सिलसिले में आए होंगे। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? UPSC कर रहे हैं बस। UPSC कब से लगभग आप जयपुर, मतलब मुखर्जी नगर में रह रहे हैं? मेरी 6 मंथ, लगभग 6 महीने। और अभी आपका वो ग्रेजुएशन वगैरह हो गया है? फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ में आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक बात है। बिहार में कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय वो इलाका है दोस्तों जहाँ से पिछली बार कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ। उस समय वो लेफ्ट से उन्होंने चुनाव लड़ा था मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी से, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो दोस्तों, वो प्रिंस भाई, आप मुखर्जी नगर रह रहे हैं 5-6 महीने से, कैसा क्या यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए माहौल है, या क्या सोच करके आपने मुखर्जी नगर को ही चुना था? पटना भी आप तैयारी कर सकते थे, या इलाहाबाद भी एक यूपीएससी का जोन है, मुखर्जी नगर ही आने का मतलब ऐसा कोई विशेष वो, या आपके मित्र वगैरह थे? नहीं, बेसिक तो मैं दृष्टि में ही आने के लिए बस यहाँ पे मुखर्जी नगर ही आया। अभी पढ़ाई आपकी ग्रेजुएशन यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रही है? अच्छा। तो थोड़ा सा आप राजनीति में रुचि रखते हैं? इतना नहीं है, बट नॉर्मल ही है। नॉर्मल, अच्छा। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? अजय शर्मा। कहाँ से अजय भाई? मैं ग्वालियर, जो पिंड मुरैना चंबल जोन जो है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? मुझे अभी हो गया 1.5 साल लगभग। अच्छा, 1 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिया है ना, द्वितीय वर्ष चालू हो गया आपका। आपकी ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से कंप्लीट? हाँ, MA चल रहा है, लास्ट ईयर MA चल रहा है। तो क्या आप, कैसा माहौल है यहाँ पे जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं? मुखर्जी नगर बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि पत्थर भी उछालो तो किसी न किसी यूपीएससी एस्पिरेंट पे ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो कैसा माहौल है यूपीएससी वालों के लिए मुखर्जी नगर में, थोड़ा सा बता पाएंगे? माहौल तो मतलब ठीक ही है, अच्छा है। मतलब जितने भी मिलते हैं मोस्टली उसमें से यूपीएससी एस्पिरेंट ही होते हैं, और SSC वाले होते हैं। SSC के भी बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं? ये भी SSC का ही है हमारा दोस्त। और UPSC SSC मतलब दो ही मैंने देखा है ज्यादातर, कॉमन है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के एक वित्तीय सलाहकार रहे थे, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, सान्याल करके थे, उन्होंने यूपीएससी को लेकर के कमेंट किया था कि लोग भीड़ की तरह यूपीएससी में आ जा रहे हैं, बाकी इसके अलावा भी लोगों को और जो क्षेत्र हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे उनको जोर था कि वो उनको करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि केवल एक जो यूपीएससी की पावर जो लोगों को, स्टूडेंट्स को खींचती है, उसी को एक भीड़ की तरह लोग चल करके आ रहे हैं, या पर्टिकुलरली उनको सिविल सर्वेंट ही बनना होता, क्या आपका मानना है? उनके मतलब बयान से आप सहमत हैं या क्या? हाँ, उनका मतलब सही है कहना, ऐसे कि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो बस ऐसे ही आ ही जाते हैं, भीड़ के पीछे मतलब फॉलो ही कर रहे हैं एक दूसरे, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन बेस्ट वही है कि कुछ अपना स्टार्टअप होना चाहिए, किसी को हम रोजगार दे सके। अभी सभी अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेंगे तो वो सही भी नहीं है ना, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी नहीं बनना है अपन को, कुछ रोजगार दे सके हमें उतना करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप खोल के या उद्यमिता करके 4 लोगों को अगर हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपका ऐसा कहना है, ठीक बात है। बाकी राजनीति के बारे में, आप विधान, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है दोस्त? मेरा भिंड लगता है। भिंड लगता है,
अच्छा, भिंड का अभी कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ मतलब राजनीति में रुचि रखते हो थोड़ी बहुत? अच्छा, बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है? बीजेपी से शायद संध्या राय है हमारे साइड से। और कांग्रेस अभी घोषित नहीं हुए? अच्छा, ये भिंड तो फॉलो नहीं किया साइड कभी उतना। भिंड तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र वाला इलाका, वो जो ज्योतिराज सिंधिया से प्रभावित इलाका है, ग्वालियर सिंधिया से प्रभावित है, लेकिन भिंड तो चंबल का क्षेत्र है। मतलब ग्वालियर साइड सिंधिया है अपने, लेकिन भिंड में तो ऐसा कुछ मतलब है। फिर भी आप पिछले लगभग 1.5 साल से यहाँ रह रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का, जो मुखर्जी नगर जो इलाका है, तो आपने कभी यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी को कभी ऐसे फील्ड में एक्टिव देखा है कि कभी वो कोई सभा करने आए हो, कोई उद्घाटन करने आए हो, या कोई भी ऐसे प्रोग्राम में 1.5 साल के दरमियान कभी आपने कुछ? नहीं, मनोज तिवारी के बारे में मतलब नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ। राहुल गांधी का जरूर सुना था एक बार, मुखर्जी नगर आए थे। अच्छा, और तो इनका मुझे नहीं पता। मनोज तिवारी को आप जानते तो हो ना, वहाँ के पूर्वांचल के भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं और पिछले 8-10 साल से एक्टिव है, 2 बार के सांसद हैं यहाँ के, लेकिन आपने कभी उनको यहाँ पे फील्ड में एक्टिव नहीं देखा। अच्छा, और 1.5 साल से आप काम कर रहे हो, तो जो यहाँ की लोकल पार्टी है, विधानसभा में जो पार्टी काम करती है, चुनाव भी जीती है, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका कामकाज का रवैया, कभी आपने फ्लोर पे उनका काम फील किया हो कि यार देखो ये सफाई बढ़िया हो रही है, या स्कूल बढ़िया हो गए, या ये मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को इलाज बढ़िया मिल रहा है, ऐसी आपने चीजें एक्सपीरियंस की हो कि हाँ यार ये चीज तो मैंने कम से कम सरकार की देखी है, ऐसा कोई भी आपका तजुर्बा रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा है। कैसे कि मैं 1.5 साल नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले भी 2 साल यहीं पे था। अच्छा, फिर लॉकडाउन के बाद मैं घर पे गया था, फिर उसके बाद आया, फिर मेरे को 1.5 साल हो गया अभी यहाँ रहते। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे केजरीवाल का। मतलब अब तुम खुद ही देख सकते हो कितना गंदगी रहती है यहाँ पे पूरे में। मतलब तो MCD भी केजरीवाल के पास है ना? हाँ, पहले बीजेपी का इनका बहाना था कि क्लैश चलता रहता, टाल देते थे कि MCD हमको दे दो, बीजेपी है, लेकिन अभी तो यही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता ग्राउंड लेवल पे उतना कुछ काम। अच्छा, ये जो केवल प्रचार से सरकार चल रही है क्या कि सब्सिडी कह लो तुम, मतलब फ्री वाइब्स जो कहते हैं? अच्छा अच्छा, इन भाई से भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अमित। अमित, अरे बड़ा खुल के बोलो यार, क्या लोड ले रहे हो? अमित, अमित भाई कहाँ से हो? राजस्थान से। अच्छा यार दोस्त, राजस्थान की एक तुम्हारी बहुत ही पॉपुलर सी सीट है, मैं घूम फिर के मैं आ जाता हूँ, जिस किसी से भी बात करता हूँ, जो पश्चिमी राजस्थान की सीट है, जैसलमेर बाड़मेर की, आपने नाम सुना, रविंदर सिंह भाटी जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, शिव से निर्दलीय विधायक ही बने थे, अभी वो निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आइडिया है वहाँ का, कैसा क्या माहौल है रविंदर सिंह का? हाँ, वो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत लोकप्रिय नेता है, हेल्पफुल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जमीन पे काम करते हैं, है ना? बहुत लोग उनको प्यार भी देते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव भी जीत गए थे वो। आपकी खुद की लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण लगती है ना? अच्छा, वहाँ से कौन क्या चुनाव लड़ रहा है, कुछ आइडिया है? हमारी वहाँ से कांग्रेस से तो राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव जो विधायक ही वहाँ से हार गए थे, शाहपुरा से नहीं, कोटपुतली से। और जो अभी जो चुनाव जीते हैं बीजेपी से, उनका राजेंद्र वो सॉरी पटेल हैं, जो हंसराज पटेल जी, वो अभी जीते हैं। अच्छा, उनको भी सांसदी का टिकट दिया है बीजेपी 10 साल बाद बीजेपी को। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार 400 पार माहौल ओवरऑल मतलब बैठ रहा है ये, या ये केवल तर्जुमा बन के रह जाएगा? नहीं नहीं, माहौल बैठ रहा है, बैठ रहा है, बीजेपी को पूरा सपोर्ट है। मोटे तौर पे बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगी, 400 पार भी ना रहे हैं लेकिन 272 प्लस तो हो ही जाएगी, ऐसा आप मानते हो? मतलब फ्लोर पे आपको दिखती है चीजें? मानते नहीं, भरोसा है। सर आप क्या मोदी सरकार के कामकाज के बारे में, 10 साल हो गई आपको, 2 टेन्योर हो गए, कैसा आपका मतलब अगर एक रेटिंग दें तो ठीक ठाक है या? काम तो काफी किया है, सबको दिख ही रहा है, फॉरेन पॉलिसी हो या और भी मतलब जो भी पॉलिसीज है उनकी काफी अच्छी है। मैं खुद भी मतलब काफी सपोर्ट करता हूँ अपने यहाँ से। और फिर मैं मेरे यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, मैंने बीजेपी को वोट भी दिया था मैंने। नरेंद्र सिंह कुशवाहा। अच्छा, कहाँ से? भिंड से ही विधायक है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी प्रत्याशी है, तो मैंने उन्हें ही दिया था। अच्छा है उनका काम भी। कोई भी 3 काम नरेंद्र मोदी सरकार के अगर आपको स्मरण हो कि यार ये काम तो बहुत बढ़िया एकदम हुआ है, कोई भी 3 काम अगर आप गिनवा सकते हैं, क्योंकि आप मोदी सरकार आप पॉजिटिव वे में देख रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। अब जैसे कि टॉयलेट देख लो आप। अच्छा, स्वच्छ भारत योजना,
एक तो ये मेक इन इंडिया देख लो आप, मेक इन इंडिया कैसी योजना है जिसमें प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में भारत पे जोर दिया जाता है, जो हम अब तक मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पे, वियतनाम पे और विदेशी देशों पे आश्रित थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि अपन छोटे छोटे कंपोनेंट इंडिया में ही बनाए। अच्छा, तीसरा एक्सपोर्ट्स देख लो, अभी कितना ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है अपना, है ना, फॉरेन रिजर्व्स देख लो कितने बढ़ गए अपने। अब मेरे को एक्चुअल डेटा नहीं पता, नहीं एक्सपोर्ट कर दे, कोई बात नहीं, अपन डिबेट में थोड़ी बैठे हैं यार। वो मैं कह रहा 370 भी हटा दिया, 370। चलिए दोस्तों, ये था हमारे, ये तीनों राज्यों के मित्र थे, इनसे हमने बातचीत की, ये हमारी 5-7 मिनट की ठीक ठाक सी चर्चा हुई। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, हमें लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू।